नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। बाबूजी कल्याण सिंह की अस्थि विसर्जन। बुलंदशहर के नरौरा में बसी घाट पर अपने दादा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अस्थियों को एकत्र करने पहुंचे सांसद पुत्र राजवीर सिंह, राज्यमंत्री संदीप सिंह आज अंत्योष्टि स्थल पर पहुंचे, जहां वैदिक रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना कर बाबूजी कल्याण सिंह की अस्थियां एकत्र कर कलश में रखी और मोटर बोट से नरौरा गंगा में जाकर के विधि विधान से बाबूजी कल्याण सिंह की अस्थियां पुत्र राजवीर सिंह व पोते संदीप सिंह आदि ने विसर्जित की। अस्थि विसर्जन के दौरान बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहे के उद्घोष से गंगा घाट गुंजायमान था। सैकड़ों की संख्या में गंगा घाट पर लोग मौजूद रहे। सांसद राजवीर सिंह ने बताया कि 1 अगस्त को ब्रह्म भोज के बाद परिजन अयोध्या और काशी में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अस्थियों का विसर्जन करेंगे। पार्टी के द्वारा भी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की अस्थियों को पवित्र नदियों में प्रवाहित किया जाएगा। राजवीर सिंह ने कहा है कि बाबूजी प्रदेश के लाखों लोगों से सीधे जुड़े थे, उनके दिल में बसे थे। पार्टी बाबूजी के अस्थि विसर्जन को लेकर के अन्य कार्यक्रम तय करेगी। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। आगे क्या होगा? देखिए, आज बाबूजी की अस्थि कलश हमने नरौरा में विसर्जित किया है। इसके बाद में 1 तारीख को बाबूजी की अरिष्टि है। अरिष्टि के बाद में ये तय करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन अयोध्या जरूर जाएंगे। अयोध्या के लिए ये भी बताया जा रहा है सर, बनारस और लखनऊ में भी है क्या? वो पार्टी स्तर से संगठन स्तर से होगा, लेकिन हमारा जो पर्सनल है अयोध्या जरूर जाएंगे, काशी जाएंगे, ये जगह जाएंगे। हरिद्वार का भी काफ़ी महत्व है, हरिद्वार भी जाएंगे। हम लोग तय करेंगे बैठ के घर में कहाँ कहाँ जाना है। ठीक है।